मिशन सौजन्य से गरीब प्रतिभावान बच्चों को प्रतिभा निखार के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी पेश वार्ता कर दी गई। पिंक बेल्ट की संस्थापक अपर्णा लाल दावत, तारा इनोवेशन की संस्थापिका तारा सिंह ने दी बताया कि हर गरीब बच्चे में प्रतिभा होती है, इसके माध्यम से गरीब प्रतिभावान बच्चों को निखार आएगा, जिससे कि वह प्रतिभा को निखार सकेंगे, जिसके ऑडिशन 22 नवंबर से आगरा कॉलेज के ग्राउंड में शाम 4 बजे से होंगे। किस तरह का इवेंट है, क्या क्या उसने अब तक किया है और आगे क्या होने वाला है? देखिए, पिंक बेल्ट अभी तक नारी सुरक्षा पे काम कर रहा था और कोरोना काल में मैं और मानसी चंद्रा जी मेरे बगल में बैठी हैं, हम चर्चा कर रहे थे कि हम कैसे सहायता पहुंचा सकते हैं, क्योंकि लोगों की नौकरियां भी छूट गई हैं या सैलरीज कम मिल रही हैं। तो ये चर्चा में बात निकल कर आई कि कुछ बांटने से अच्छा है कि उनको एक सम्मान के साथ उनकी प्रतिभा को पहचान देना। तो हमने इसका स्लोगन भी ये, दान नहीं सम्मान चाहिए, असली प्रतिभा को पहचान दीजिए। तो इस तरह से हमने ये प्रोग्राम कार्यक्रम की रूपरेखा रखी, जिसमें हमें नहीं अंदाज़ा था लेकिन 8 दिनों के ऑडिशन में करीबन 700-800 बच्चे, और बात ऑडिशन की नहीं है, जैसे कि अभी कहा कि हर बस्ती हम जहाँ भी गए हैं, जो हमने खुशियाँ बटोरी हैं, जो उनके बच्चों के साथ जो माँ बाप आ रहे थे इस 6 महीने के कठिन समय के बाद, जो खुशियाँ उनको मिली, उसके बाद हमने उसमें 40-45 बच्चों का चयन किया है, जिसको हम 22 तारीख को अच्छा मंच उनको प्रदान कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म जो ऐसे बच्चों को आज तक नहीं मिला है, वो अपने माँ बाप के साथ, और उसमें हम कैश प्राइज रख रहे हैं, जिसमें जो 2 बेस्ट बच्चे हैं, प्रतिभाएं हैं, उनको हम 11,000 और बाकी जो प्रथम द्वितीय तृतीय है 5100, 3100, 2100, तो किसी तरह की आर्थिक सहायता भी फैमिली को पहुंचेगी। और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि उस माँ बाप का बच्चा परिवार की मदद करने में जो सहभागिता निभाएगा इस कार्यक्रम के द्वारा, मेरे ख्याल से पूरे आगरा के लिए बड़ा गर्व का विषय है। कोरोना काल में आप क्या कहना चाहेंगे? कोरोना काल में खुशी बट रही है, इससे बड़ा अच्छा क्या हो सकता है। ऑलरेडी इंसान इतना दुखी और परेशान है, और उस माहौल में अगर कोविड को समझ के कोई फंक्शन किया जाता है तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल स्टेप। बाकी इनका जो प्रोग्राम है, मैंने जैसे पहले भी कहा है कि ये एक बहुत खुशी बांटने का प्लेटफॉर्म है, बच्चों के पास टैलेंट है, और मेरी यही गुजारिश है पिंक बेल्ट से और मानसी जी की ऑर्गेनाइजेशन से कि इन बच्चों को नेशनल टैलेंट के जो प्रोग्राम्स होते हैं वहां तक पहुंचाने की कोशिश करें, और तब इस ऑर्गेनाइजेशन का फायदा तभी है कि ये वहां तक हमारे बच्चों को पहुंचाएं, और अगर ये हो जाएगा तो आई थिंक इट विल बी अ वंडरफुल स्टेप इन टाइम्स टू कम। तो यही मेरी अपेक्षा है, एंड कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू द 22nd इवनिंग एंड आफ्टरनून, के बहुत अच्छा एक टैलेंट का प्रोग्राम होगा और हम लोगों को भी एक मौका मिलेगा कि बिलो पॉवर्टी लाइन के बच्चों का टैलेंट देखने के लिए और उनकी खुशी के साथ एंजॉय करने के लिए। इस काल में लोगों की मदद हो सके और उनकी प्रतिभा को सम्मान मिले, तो क्या किया? देखिए, अच्छा काम तो सभी करते हैं और करना भी चाहते हैं, बट उसमें भी शॉर्टकट ढूंढते हैं कि खरीद ली जाए और कोई बांट दे, चीजें खरीद लें बढ़ जाए। तो मेन बात ये थी कि आप मटेरियलिस्टिक चीजें तो खरीद लेंगे, मॉनिटरी हेल्प दे देंगे, बट आप किसी को खुशियां या सम्मान नहीं खरीद कर दे सकते। और ये टैलेंट हंट और जो मैंने आज तक काम किया था, मतलब जो मैं अकेली थी, बस यही डिफरेंस है, मतलब लोगों को खुशियां पहुंचानी, उनको एक इज्जत पहुंचानी, उनको एक सम्मान पहुंचाना, ये हमारा मेन रीजन मोटिव था। तो इसके लिए हमने टैलेंट हंट किया था कि जो मॉनिटरी हेल्प पहुंचनी है वो पहुंच जाए, जो मटेरियलिस्टिक हेल्प पहुंचनी है कि स्वेटर्स बटने हैं, उनको बैग्स पहुंचने हैं, वो भी पहुंचाए, पर एक सम्मान और खुशियां भी पहुंचे इसके साथ, तभी ये टैलेंट हंट किया था। इसके लिए हमने ना तो कोई रजिस्ट्रेशन फीस ली, क्योंकि नॉर्मली बच्चे अपियर मतलब पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते टैलेंट हंट में, क्योंकि हर इंसान कोई ना कोई रजिस्ट्रेशन फीस या पार्टिसिपेशन फीस मांगता है। तो विदाउट एनी फीस हम लोगों ने जाकर उन्हीं की बस्तियों में जाकर बीच में हमने टैलेंट हंट का ऑडिशंस लिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे आ सकें। आप बिलीव नहीं करेंगे, बट जो आप लोगों ने कवर भी किया था, बट वो 2 दिन उस बस्ती में एक्चुअली रॉक शो जैसा था, मतलब सारी लेडीज नाइकी मंडी में बुर्कों के अंदर थी, हिजाब के अंदर थी, पर दूसरे दिन सारी लेडीज वहां पर बैठी होती थी, इट वाज लाइक अ रॉक शो। तो खुशियां बहुत बटी और टैलेंट बहुत ज्यादा, हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना टैलेंट है इन बस्तियों में, टैलेंट बहुत निकल कर आया है, और यही उम्मीद है कि इस टैलेंट को हम आगे लेकर जा सके, उनका एक बैंड बनाए, पहले उनको ट्रेनिंग, फॉर्मल ट्रेनिंग दिलवाई जाए, क्योंकि उनमें टैलेंट तो अब हमें पक्का है कि है, अब उनको एक फॉर्मल ट्रेनिंग दिलवाकर एक बैंड बनाया जाए, और अगर आगरा के होटल्स और रेस्टोरेंट्स लाइव शोज ले सकें, तो बस यही रीजन था और यही डिफरेंट बनाता है शो को।
लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा YouTube चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।